काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के 5 स्थानों से मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा 5 स्थानों से निकलेगी। इनमें से इंदौर संभाग की यात्रा का स्थान खंडवा रहेगा, जो दादाजी धुनी वाले मंदिर से आरंभ होगी। इस यात्रा में राष्ट्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और वही इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा को लेकर के आज संभागीय समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी के साथ ही खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकल रही है, क्योंकि चुनाव आपके सामने है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक योद्धा सदैव तत्पर रहता है। और जो पहले एक यात्रा हमारे मध्य प्रदेश के लाडली बहनों के भाई, किसान के पुत्र, बेटियों के मामा, उनके नेतृत्व में निकलती थी, अभी 5 जगह से जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। और बाबा के चरणों में प्रणाम करने के बाद हमारे देश के रक्षा मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, और हम सोचते हैं कि वो आम सभा ऐतिहासिक नहीं, अकल्पनीय, ऐतिहासिक सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर, ये काम दावित निभाई। और संभाग के सभी विधानसभा और इसके साथ साथ देवास जिले की जो 8 विधानसभा है, कुल 42 विधानसभाओं की यात्रा क्रमांक 3 है, जिसको लेकर राष्ट्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश का नेतृत्व उनके साथ बैठ के जो रचना बनी है, आज हम यहाँ पर खंडवा और खंडवा के आसपास के सभी प्रमुख नेताओं से, सांसद जी, विधायक जी, पार्टी के अध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। इस यात्रा का क्रमांक 3 है जो इंदौर संभाग से देवास में जाएगी, उसका शुभारंभ खंडवा के दादा धुनी वाले दरबार से आशीर्वाद लेके निकलेगी। तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि खंडवा के इतिहास नगर से यात्रा निकल रही है, और ये यात्रा 19 दिन तक चलेगी। और इस यात्रा में लगभग 42 बड़ी सभाएं, 75 छोटी सभाएं और 138 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं कह सकते हैं, रथ सभा कह सकते हैं। और रथ के साथ साथ जो हमारे उस क्षेत्र के आने वाले सभी लोग हैं और कार्यकर्ता हैं, वो स्थान पर स्वागत भी करेंगे। तो एक ऐतिहासिक यात्रा ये निकलने वाली है। और शुभारंभ कर रहे हैं, कितने लोगों का लक्ष्य रखा है? देखिए, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, यानी यहीं के लोगों ने लक्ष्य दिया है, हमारे स्थानीय लोगों ने सब बैठ के तय किया कि ऐतिहासिक सभा होगी। अभी तक की ऐतिहासिक सभा में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे और ऐतिहासिक सभा रहेगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है जो आज बैठक हुई है। शुभारंभ करने आ रहे क्या कार्यक्रम? अभी माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम आया है और एक दो दिन और समय आपके बीच में आ जाएगा। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि 5 अलग अलग यात्रा निकाल रही है, इस बार यात्रा टुकड़े टुकड़े यात्रा हो गई है। बीजेपी जो है, देखिए पहले एक यात्रा निकलती थी लेकिन सभी विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि इतना बड़ा है। जो ये यात्रा निकल रही है, इस यात्रा का भी जो लंबाई है 2163 किलोमीटर की है, 2163 किलोमीटर। और अगर पूरी पांचों यात्रा हम देखें तो 10,600 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है पांचों। तो हम चाहते हैं कि हर विधानसभा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में होते, इसलिए 5 यात्रा है। कांग्रेस तो बोल रही टुकड़े टुकड़े यात्रा होंगे। मैंने बताया ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, वो कभी यात्रा निकाल नहीं सकती, वो यात्रा में कभी जा नहीं सकते, वो अपना रिपोर्ट कार्ड बता नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी करा ही नहीं ना। हम जनता के बीच में जाए हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड हमने माननीय अमित शाह जी ने भोपाल में प्रस्तुत किया, क्योंकि हमने करा है और आने वाले समय में और करेंगे विकास के काम। सांसद जी, कांग्रेस बोल रही है कि हमारी योजना चुरा कर भाजपा यात्रा निकाल कर उनको प्रचार कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने उनका समय तक क्या किया, जितनी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही थी वो सभी जन हितैषी योजना उन्होंने बंद की। तो वो तो उन्होंने जो योजनाएं थी आम लोगों के लिए, गांव गरीब किसान के लिए, वो बंद करी। लालवाली जी, आपको जनता क्यों आशीर्वाद देगी और 20 सालों से आपकी सरकार है, लेकिन आपको ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? देखिए, हमने काम किया है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने जो किया वो जनता के बीच में ले जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इंदौर से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी,
इंदौर में प्रवेश करी थी, खंडवा में करी थी, क्या उसका तोड़ है क्या? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक में राहुल गांधी असर दिखा रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी हाँ यहाँ कर रहा है राहुल गांधी। देखिए, हम हर बार चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, पहले एक निकलती थी, इस बार पांच है और पांचों का संगम भोपाल में होगा और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी दीनदयाल जी की जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसा क्या है कि स्टेट का चुनाव है और सेंटर संगठन में चुनाव लड़ रहा है? देखो, ये पार्टी की नीति है और हमेशा केंद्र का तो मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता ही है। इस बार इन्वॉल्वमेंट नहीं, नहीं मार्गदर्शन मिलता ही है, सेंट्रलाइज हो गया। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, केंद्र का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, हमेशा वहाँ से हमें मार्गदर्शन देने के लिए हो जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि केंद्र का मार्गदर्शन मध्य प्रदेश को मिल रहा है।